आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रायदासका में 36 वर्षीय किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। देर रात परिजनों को हत्या की जानकारी हुई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचे, शव को नागरिक अस्पताल भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के भाई महेंद्र पाल ने बताया कि सुंदर पाल घर में सोया हुआ था। रात करीब 11-12 बजे गेट की आवाज सुनकर परिवार के सदस्यों ने देखा तो जहां घर के पशु बंधे थे वहां एक चारपाई पर सुंदर का शव पड़ा हुआ था। महेंद्र पाल ने बताया कि उसके भाई सुंदर सिंह के सर में गहरी चोट मारकर हत्या करी की गई है, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र जी कौन सा गांव है आपका? रायदासका। क्या हादसा हुआ है गांव में? ये हादसा, भाई था अपना कमरे में लेटा था घर के सामने, और उसमें कोई अज्ञात व्यक्तियों ने इस पर हमला किया। रात को हमको तो 11-12 बजे करीब पता लगा जब गेटों की आवाज़ आई। क्या नाम है आपके भाई का और क्या उम्र है, क्या करते थे? सुंदर सिंह है, खेती बाड़ी करते हैं। 36 साल की उम्र है। कोई विवाद चल रहा था किसी से? कोई कैसा विवाद नहीं था। किस हालात में शव मिला? डेड बॉडी मिली थी, सिर में चोट है बहुत गंभीर। किस समय घर वालों को पता लगा? तो 11-12 बजे करीब गेट की आवाज़ आई, तो उसकी मिसेज उठ के गई बाहर, देखा तो जिसमें भैंस बनती है उसमें चार पाई पे डेड बॉडी मिली। कुछ पता लग पाया कौन लोग हैं जिन्होंने? नहीं, कोई ऐसा कोई पता नहीं लगा। किन हालातों में शव मिला, किस चीज़ से? अगर हत्या हुई है तो किस चीज़ से हुई? हत्या कोई तेज धार हथियार होगा, कैंची वगैरह, हथौड़ा, चोट वगैरह कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से दिक्कत आई है। कहाँ लगी? सर गांव रायदासका में एक मामला आया हत्या का, किन हालात में हत्या हुई और क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है सुंदर सिंह सनव हरी सिंह। क्या उम्र है? उम्र करीब 35-36 वर्ष। तो किन हालात में हत्या हुई, कहाँ शव मिला? वो उसके घर के सामने ही टीन है उसी की, अपनी पशुओं की टीन, उसमें मृत अवस्था मिला था। क्या शिकायत परिजनों ने दी? भाई यही दी है, किसी ने उसको चोट मार के हत्या की है, लेकिन नाम अभी किसी का नहीं है। कहाँ पर चोट मारी है? सिर में चोट लगी है उसके।